ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर आधारित है जो एक साथ ये कसम खाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, पर वो दोनों वो सब कुछ करेंगे जो आजकल कपल्स ओयो में जाकर करते हैं। अब क्या वो अपनी इस कसम को पूरा कर पाते हैं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर मैं इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डेलन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डेलन जहाँ पर लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डेलन की गर्लफ्रेंड डेलन से और जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उनका ब्रेकअप हो जाने की वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि अब से वो कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एक कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसलिए वो डेलन को GQ मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डेलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जेमी चाहती थी कि डेलन किसी भी हालत में GQ मैगजीन में काम करे, और डेलन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जेमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जेमी डेलन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। फिर जब वो टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं तब डेलन जेमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। पर इस पर जेमी उसे बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जेमी के इतने समझाने पर डेलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है, और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। अब जॉब मिलने के बाद भी डेलन इससे खुश नहीं था, और वो जेमी को बोलता है कि एक जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। दरअसल डेलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जेमी डेलन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डेलन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये शहर उसे काफी अलग था जो उसने टीवी में देखा था, इसलिए अब वो उस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डेलन और जेनी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, और वहां पर वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप की स्टोरी के बारे में बताते हैं। इसके बाद जेमी डेलन को अगले दिन अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर अगले दिन डेलन जेमी के घर पर आता है और वो दोनों पार्टी में काफी इंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जेमी और डेलन एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब ये दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं तब जेमी डेलन को बोलती है कि काश मेरी जिंदगी भी इन टीवी एक्ट्रेस की जैसी होती। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे बहुत प्यार करता, और जब मैं उदास होती तो मुझे मनाने के लिए शाही घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार आता। इस पर डेलन उसे बोलता है कि ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है और असली जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो दोनों आपस में घपा घप वाली बातें करने लगते हैं, और फिर डेलन जेमी को बोलता है कि घपा घप एक टेनिस मैच जैसा होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए बोलता है। पर इस पर जेमी उसे बोलती है कि वो उसे इस नजर से नहीं देखती। तो डेलन उसे बोलता है कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ, इससे हम अपनी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अभी आइडिया जेमी को भी पसंद आता है, और फिर वो दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो सिर्फ दोस्त ही रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब जब दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद वो दोनों टेनिस का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से ही वो दोनों बस दिन रात घपा घपी करते रहते हैं। वो दोनों इतना घपा घप करते हैं कि दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती है, और कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ जेमी डेलन को बताती है कि उसे लगा था कि सिर्फ घपा घप करने की वजह से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से अब से हम ये सब नहीं करेंगे। पर अगले ही दिन से वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों बस दिन रात टेनिस मैच ही खेलते रहते हैं। अब एक दिन घपा घप करने के बाद जेमी डेलन से बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, और इसलिए अब से हमें ये मैच खेलना भी बंद कर देना होगा। इसके बाद वो घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं जहाँ जेमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, और कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों में भी डेटिंग होना शुरू हो जाती है, और वो लड़का जेनी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं, और फिर एक रात जेमी और डॉक्टर भी एक साथ टेनिस मैच खेलते हैं। अगले दिन वो डॉक्टर बिना बताए जेमी को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी जेमी उसे देख लेती है, और उसके पूछने पर वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। ये सुनकर जेमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेमी डेलन के पास आती है और उसे उस चूतिए डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डेलन उसे बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी ठरक मिटाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद डेलन जेनी को बताता है कि वो इस वीकेंड को अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है, और अगर जेनी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। इस पर पहले तो जेनी उसे मना कर देती है, पर डेलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद वो डेलन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर डेलन के डैड और उसके सिस्टर
डिलन और जेमी को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिलन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और डिलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती हैं, जहाँ वो जेमी को डिलन के बचपन की फोटोज दिखाती है। अब रात को डिलन के अंदर ठरक जागने लगती है और वो चुपके से जेमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने के लिए आता है, पर इस पर जेमी उसे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि फिर कभी भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। पर फिर भी डिलन उसे मैच के लिए मनाने की कोशिश करता है और कुछ देर बातें करने के बाद जेमी भी मैच के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों पूरी रात टेनिस का एक पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह जब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जेमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वो डिलन को पसंद करने लगी थी और उसे उसकी फैमिली भी बहुत पसंद आई थी। इसके बाद हम देखते हैं शाम को डिलन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर एमी डिलन से पूछती है कि इसके बाद हम जेमी से कब मिल पाएंगे, तो डिलन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस पर एमी उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है, तो उस पर डिलन उसे बोलता है कि जेमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डिलन उसे ये भी बोलता है कि मैं जेमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उन दोनों की ये बातें जेमी भी छुपकर सुन रही होती है। फिर जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी जेमी वहाँ पर आती है और उनको बोलती है कि उसे किसी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डिलन की बातों से बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। फिर वहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती। फिर इसके कुछ दिनों बाद डिलन भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। वहाँ वो जेमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर जेमी उसे कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद डिलन फिर से जेमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जेमी अभी भी उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर डिलन को याद आता है कि शायद जेमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है, जहां पर वो अक्सर जाया करती है। और फिर जब डिलन उस जगह पर जाता है, तो वहां पर जेमी अकेली बैठी हुई होती है। फिर डिलन जेमी से माफी मांगता है, तो जेमी उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती वो ना करे। जेमी की मॉम उसे बोलती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, लेकिन ये बात मैंने समझने में बहुत देर कर दी, पर तुम ये गलती मत करना, नहीं तो तुम मेरे जैसे अकेली ही रह जाओगी। दूसरी तरफ अगले दिन डिलन अपने डैड को एयरपोर्ट से पिक करने जाता है, जो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था, तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया, और जब मुझे ये बात समझ में आई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। अब ये सुनकर डिलन को भी जेनी की याद आने लगती है, जो उसे बहुत प्यार करती थी, पर अपनी ईगो की वजह से उसने जेमी को कभी भी अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो। फिर डिलन अपने डैड को घर छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जेमी को देखते हैं, जो अपनी मॉम से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जेमी अपनी मॉम से पूछती है कि आप कहाँ पर हो, तो इस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। अब जेमी उनको ढूंढ ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर उसे डिलन खड़ा हुआ दिखता है, जो उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। वो उसको बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है और वो जेमी से बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद वो जेमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं और ये उनके रिलेशनशिप की पहली डेट होती है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।